पठानकोट पंजाब का एक खूबसूरत शहर। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और बहती नदियाँ इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। यहाँ की हवा में देशभक्ति की खुशबू है। हर नागरिक के दिल में देश के प्रति असीम प्रेम और सम्मान है। यहाँ के लोग अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह शहर वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ के हर कोने में आपको उन वीर जवानों की यादें मिलेंगी जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 2016 में इस शहर ने एक ऐसी घटना देखी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले ने सभी को चौंका दिया और देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। यह थी पठानकोट एयरबेस पर टेररिस्ट अटैक। इस हमले में हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। यह शहर अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और प्यार करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस शहर की जीवंतता को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग मेहनती और देशभक्त होते हैं। यहाँ के किसान अपनी मेहनत से धरती को सोना बनाते हैं और यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। पठानकोट हमेशा से ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रहा है और यही कारण है कि यहाँ इंडियन एयरफोर्स का एक इम्पोर्टेंट बेस है। यह बेस देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ के सैनिक हमेशा सतर्क रहते हैं। पठानकोट का बाजार भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजारों में आपको हर तरह की वस्तुएं मिलेंगी और यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत लाजवाब है। यहाँ के पार्क और पिकनिक स्पॉट्स भी बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ के लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए इन स्थानों पर आते हैं और आनंद लेते हैं। पठानकोट का सूर्यास्त भी बहुत खूबसूरत होता है। जब सूरज ढलता है तो पूरा शहर एक सुनहरे रंग में रंग जाता है जो देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। यहाँ के लोग त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। रात में जब पूरा शहर रोशनी से जगमगाता है तो यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। पठानकोट में कई ऐतिहासिक स्थल और प्राचीन मंदिर भी हैं जो इस शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ के मंदिरों में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के कारीगर भी बहुत कुशल होते हैं। उनकी बनाई हुई हस्तकला की वस्तुएं बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। यहाँ के बाजारों में आपको इन वस्तुओं की भरमार मिलेगी। पठानकोट में विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की विविधता में एकता की भावना देखने को मिलती है। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पठानकोट का हर एक दृश्य मन को मोह लेने वाला है। यहाँ की सुबह की ताजगी और शाम की शांति इस शहर को और भी खास बनाती है। यहाँ के कैफे और रेस्टोरेंट्स भी बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ का पारंपरिक पंजाबी खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। पठानकोट का रेलवे स्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए ट्रेनें चलती हैं और यह शहर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ के स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। रात में जब पूरा शहर रोशनी से जगमगाता है तो यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। पठानकोट का हर एक कोना अपनी एक अलग कहानी कहता है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। यहाँ की एकता और भाईचारा इस शहर को और भी खास बनाते हैं। पठानकोट वाकई में शांति का शहर और वीरता का गढ़ है। 2 जनवरी 2016, सुबह की शांति चीखों और गोलियों की आवाज से टूट गई। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। 6 आतंकवादी जो पाकिस्तान से गुस्से थे ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। ये आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और उनका इरादा साफ था, भारत को गहरा आघात पहुंचाना। उनका मकसद था जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना और इंडिया को कमजोर दिखाना। उन्होंने एयरबेस के महत्वपूर्ण हिस्सों को निशाना बनाया और भारी तबाही मचाई। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से पूरा इलाका गूंज उठा और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एयरबेस पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों का सामना किया। एक भयानक मुठभेड़ शुरू हो गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले ने न केवल सुरक्षा बलों की तत्परता की परीक्षा ली बल्कि पूरे देश को एकजुट कर दिया। हर भारतीय की आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर हराया जाएगा।
इंडियन आर्मी के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। चाहे वह कठिन परिस्थितियां हों या दुश्मनों का सामना, हमारे जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी बहादुरी और निडरता ने कई बार देश को गर्व महसूस कराया है। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और कुशल रणनीति ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। हर कदम पर उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उनकी तत्परता और समर्पण ने देशवासियों को सुरक्षित रखा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडोज, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में माहिर होते हैं, को भी बुलाया गया। NSG के कमांडो अपनी विशेष ट्रेनिंग और उच्चतम स्तर की तैयारी के लिए जाने जाते हैं। उनके आने से ऑपरेशन में और भी मजबूती आई। उन्होंने अपनी विशेष सज्जता और कौशल का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों को घेर लिया। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी हवा में उड़ान भरने लगे। उनकी उपस्थिति ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। वायुसेना के पायलटों ने अपनी कुशलता और साहस का परिचय देते हुए आसमान में अपनी धाक जमाई। उनकी निगरानी और सुरक्षा ने जमीनी बलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। हेलीकॉप्टर्स ने हवाई निगरानी शुरू कर दी ताकि आतंकवादियों पर नजर रखी जा सके। उनकी सतर्कता और निरंतर निगरानी ने ऑपरेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेलीकॉप्टरों की मदद से जमीनी बलों को सटीक जानकारी मिलती रही, जिससे वे सही समय पर सही निर्णय ले सके। इंडियन आर्मी ने एक प्लांट स्ट्रेटजी के तहत आतंकवादियों को घेर लिया। उनकी रणनीति और योजना ने दुश्मनों को चौंका दिया। हर कदम पर उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उनकी तत्परता और समर्पण ने देशवासियों को सुरक्षित रखा। इस ऑपरेशन में सभी बलों का तालमेल और सहयोग देखने लायक था। उनकी एकजुटता और समर्पण ने इस मिशन को सफल बनाया। इस ऑपरेशन में कई वीर जवान शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक किस हद तक जा सकते हैं। हम शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शहादत हमें प्रेरित करती रहेगी। ऑपरेशन का अंत। विजय पताका लहराई। 3 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी ने सभी 6 आतंकवादियों को मार गिराया। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर अपनी ताकत और क्षमता का लोहा मनवाया। विजय पताका लहराई, लेकिन इस जीत की कीमत हमारे वीर जवानों के बलिदान से चुकानी पड़ी। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक स्किल्स, साहस और समर्पण का प्रतीक बन गया। दुनिया ने इंडियन आर्मी की वीरता को सलाम किया। पठानकोट अटैक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इस घटना ने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में खामियों को उजागर किया। इसके बाद सरकार ने सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए। आतंकवाद से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया गया। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि आतंकवाद से लड़ाई में हमें एकजुट रहने की जरूरत है। पूरा देश अपने वीर सैनिकों का आभारी है। उनके साहस और बलिदान ने हमें सुरक्षित रखा। उनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी। हमारे सैनिक हर पल हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वे हर मुश्किल घड़ी में अपना कर्तव्य निभाते हैं। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। पठानकोट की लड़ाई हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह लड़ाई साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। हमें अपने सैनिकों का साथ देना होगा। हमें एक सुरक्षित और मजबूत इंडिया बनाना होगा। पठानकोट हमले ने हमें एक जरूरी बात सिखाई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। हमें अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को लगातार मजबूत करते रहना होगा। हमें एक ऐसे इंडिया का निर्माण करना होगा जहां हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे।